इसे ले लेती ताकि इस नई आरक्षण नीति को सही ढंग से लागू करके यहाँ गरीब स्वर्णों को इसका सही लाभ देने के लिए संसद व संसद के बाहर कोर्ट में भी बीजेपी सरकार इसका मार्ग प्रशस्त करके दिखाती, जिससे फिर इनकी नियत व नीति पर लोगों को शक शुबा करने की कम गुंजाइश होती। वैसे भी बीजेपी की केंद्र सरकार अपनी जन विरोधी नीतियों व घोर चुनावी वायदा खिलाफियों के कारण विश्वासघात के आरोपों का संकट झेल रही है और चुनाव भी हार रही है। तो ऐसे में गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने के संबंध में इनकी ये घोषणा लोगों को एक चुनावी छलावा ही ज़्यादा लग रहा है। लेकिन फिर भी बीएसपी इस संबंध में लाए जाने वाले संविधान संशोधन विधेयक का जरूर समर्थन करेगी, क्योंकि ये हमारी पार्टी की सबसे पहले व काफ़ी पुरानी मांग है। इसके अलावा यहाँ मेरा ये भी कहना है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अथक संघर्ष, परिश्रम व त्याग आदि के बाद ही अपने संविधान में शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर यहाँ जातिवादी व्यवस्था से पीड़ित व शोषित दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की जो व्यवस्था लागू है वे अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जबकि देश की आबादी में इन वर्गों के लोगों की जनसंख्या अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन उस पर अब कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए अब इस बात की भी आवश्यकता है कि देश में एससी व एसटी एवं ओबीसी वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की लगभग 50% की सीमा की सही नियत के साथ समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, तथा इन्हें इनकी बढ़ी हुई आबादी के अनुपात में आरक्षण के अनुपात को भी समुचित तौर पर बढ़ाकर दिए जाने की कोई नई संविधानिक व्यवस्था देश में लागू की जानी चाहिए, तो ये इन वर्गों के लिए बेहतर होगा। और इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की व्यवस्था को केंद्र व राज्यों की विभिन्न सरकारों द्वारा निष्क्रिय व निष्प्रभावी बनाने के लिए अभी तक अनेकों प्रकार के षड्यंत्र लगातार किए जाते रहे हैं, ये भी जग जाहिर है। लेकिन अब इन्हें इसकी बजाय इन वर्गों के लिए उन क्षेत्रों में भी आरक्षण की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए जहां अब तक आरक्षण की कोई व्यवस्था लागू ही नहीं की गई है। इसके साथ ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण का कोटा पूर्ण किए जाने के संबंध में भी पूर्व की सरकारों की तरह वर्तमान बीजेपी की केंद्र एवं इनकी राज्य सरकारों का संकीर्ण, जातिवादी एवं नकारात्मक रवैया भी अति निंदनीय है, जिसका ही परिणाम है कि अब इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का लाभ शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में नाम मात्र के लिए ही